सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग का शुरुआत हो रहा है मेरे घर से, और आज मैं आप लोगों को टूर करवाऊंगा हॉर्टिकल्चर का, जो कि हमारे बिहार के भागलपुर के सबौर में स्थित है। और हाँ गाइस, ये मेरे सबौर में स्थित है, और आप लोगों को दिखाऊंगा, टूर करवाऊंगा और बताऊंगा कि वहाँ क्या देखने लायक है और क्या नहीं है गाइस। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट हमारे हॉर्टिकल्चर। गाइस, हम लोग आ चुके हैं एग्रीकल्चर कॉलेज, और पीछे आप लोग देख सकते हो एग्रीकल्चर कॉलेज है, और यहाँ पे रितेश भी और सोनू भी हैं, तो जिनके पास हम लोग मिलने के लिए जाएंगे। आप लोग देख सकते हो ये हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर उस साइड है गाइस। तो मिलते हैं आप लोगों से, जा रहे हैं अभी रितेश भी और सोनू के पास, और यहाँ का माहौल आप लोग देख सकते हो, सुबह सुबह का काफ़ी मस्त माहौल है, और पूरा हॉर्टिकल्चर का सीन आप लोग देख सकते हो। इधर देखो गाइस, फ्लावर गार्डन है, तो यहाँ पे आपको सब तरह का पेड़ वगैरह मिल जाएगा, और इधर अपार्टमेंट वगैरह है जो कि आप लोग देख सकते हो, जो कि यहाँ वर्कर सब हैं उनके लिए। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, और यहाँ काफ़ी अच्छा से सनराइज़ हो रहा है, और पीछे आप लोग देख सकते हो फोटोशूट के लिए एरिया बना हुआ है, जो कि हमारा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में है गाइस। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का सीन है गाइस, सुबह आप लोग आ सकते हो यहाँ घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा, बहुत लोग आते हैं, पीछे आप लोग देख ही सकते हो। तो एग्रीकल्चर में भी एंट्री है गाइस, हॉर्टिकल्चर में तो मैंने परमिशन लेके एंट्री किया, यहाँ जल्दी एंट्री करने नहीं दिया जाता है किसी भी लड़के या किसी भी व्यक्ति को। चलिए रितेश भैया के पास गाइस, और मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट रितेश भैया। तो गाइस, फाइनली मैं यहाँ का रास्ता भूल चुका हूँ, और वो लोग मिल नहीं रहे, कहाँ पे हैं, तो खोजते हैं उनको, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस, हमारे साथ सोनू और रितेश भी आ चुके हैं, और यहाँ पे सोनू है, देख सकते हो आप लोग, बॉडी बिल्डर है, तो आप लोग जानते ही होंगे इसे। और पीछे का सीन आप लोग देख सकते हो, सनराइज काफी अच्छा हो रहा है, और आप लोगों को पीछे तो मैं दिखाया ही, तो चलिए दिखाते हैं और हॉर्टिकल्चर का टूर आप लोगों को करवाते हैं। सो गाइस, ये हमारा हॉर्टिकल्चर आ रहा है, अब आप लोग देख सकते हो, हम रितेश भी और सोनू निकल चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा आंवला का गाछ आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, चारों साइड गाइस खेत ही खेत है, तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस यहाँ पे। सुबह और शाम में अगर आओ आप लोग घूमने के लिए, तो काफ़ी सुकून मिलेगा गाइस, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लांट वगैरह है अलग अलग तरह के, क्योंकि गाइस ये हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर में प्लांट वगैरह रहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग वॉक के लिए आदमी सब भी आ रहे हैं। चलिए चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या है यहाँ पे। सो गाइस, ये प्लेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये है हमारा फोटोशूट एरिया, इसको हम लोग फोटोशूट एरिया के नाम से जाते हैं, क्योंकि यहाँ नारियल का जो पेड़ है काफ़ी अच्छे तरीके से लाइन बाई लाइन लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लुक देता है ये एग्रीकल्चर को, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पर फोटो शूटिंग वगैरह करवाने में हम लोगों को। तो चलिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को बीज घर। तो ये हमारा बीज घर है गाइस, इसमें काफ़ी ज़्यादा खाद और सीड्स वगैरह प्लांट के रखे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और ट्रक से ही आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को हमारे एग्रीकल्चर में गाइस स्कूल और हॉस्पिटल भी है। सो गाइस, यहाँ पर स्कूल और हॉस्पिटल है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पर वर्क करते हैं, जिनको बाहर ना जाना पड़े यहाँ से। तो देख सकते हो यहाँ अस्पताल है और स्कूल है, सब कुछ है यहाँ पर गाइस, जैसे एक सिटी है एक तरह से, मान लो आधा सिटी है गाइस और आधा हॉर्टिकल्चर में डिवाइड है ये। तो काफ़ी अच्छा माहौल लगता है यहाँ, सभी बिल्डिंग एक ही तरह के हैं। तो चलिए अब चलते हैं एग्रीकल्चर से। तो ये हॉर्टिकल्चर का मेन गेट, यहाँ पे आपको गार्ड अंकल मिलेंगे, जिनसे परमिशन लेके ही अंदर जाना पड़ता है। और यहाँ पे उस साइड एग्रीकल्चर है, आगे आप लोग गेट देख सकते हो। तो उधर दो एग्रीकल्चर है गाइस, एक है एग्रीकल्चर एक है हॉर्टिकल्चर। चालू कर सोनू आ जाते हैं यहाँ पे टी स्टॉल, यहाँ पे